डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन इफेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे केंद्र के कोण और परिधि के कोण में संबंध। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। तो आज हम सीखेंगे, अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई चाप अगर वृत्त के केंद्र से कोई कोण बनाता है तो वही चाप वृत्त की परिधि पर जो कोण बनाएगा वह कोण केंद्र के कोण और वृत्त परिधि के कोण में क्या संबंध होगा, इसके बारे में हम देखेंगे कि केंद्र का कोण परिधि के कोण से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे हम क्या करते हैं, एक वो डायग्राम मतलब वृत्त बना लिए। वृत्त में एक चाप हमने ए बी ले लिया और ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है और ये क्या है, वृत्त की परिधि है। तो देखिए ए बी से वृत्त के चाप ए बी से दो लाइन बढ़ेंगी केंद्र की ओर, क्या बढ़ेंगी, दो लाइन बढ़ेंगी। तो यहाँ पे एक केंद्र का कोण बनेगा जिसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। यही चाप ए बी से परिधि पर कोई बिंदु आरोपित करेंगे और वह बिंदु पे ए बी से फिर दो लाइन बढ़ेंगी। तो परिधि पर एक कोण बना, ये एक कोण को हमने क्या नाम दे दिए, वाई नाम दे दिए। तो हमको को वृत्त के केंद्र पे बने कोण और परिधि पर बने कोण में क्या संबंध है ये देखना है। अब देखते हैं, समान चाप ए बी के लिए केंद्र का कोण, समान चाप ए बी के लिए केंद्र का कोण कोण उसी के चाप के परिधि के कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। समान चाप ए बी के लिए केंद्र का कोण उसी के चाप के परिधि के कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। क्या होता है बोले, दो गुना होता है। तो हम कह सकते हैं, हमने इसका केंद्र के कोण को x नाम दे दिया और परिधि के कोण को y नाम दे दिया। तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2y, जिसमें हम वैल्यू रख देते हैं, हम y इक्वल टू रख देते हैं 30। y इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 30। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 2 × 30 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 60 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी, 60। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र के कोण का मान परिधि के कोण के मान का क्या होता है, दो गुना होता है। या परिधि के कोण का मान केंद्र के कोण के मान का आधा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।